वेलकम टू टेस्टी बाइट्स। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, पालक पनीर लिफाफा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो पालक पनीर लिफाफा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है होल व्हीट फ्लोर लिया है 2 कप। ये हम हेल्दी बना रहे हैं तो हम ये आटे से व्हीट फ्लोर से ही बनाएंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून घी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और अब इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो मैं दूध से इसका डो लगा रही हूँ, आप पानी से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम दूध से लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ही सॉफ्ट बनता है और इसके जो लिफाफे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो हम दूध से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। अभी मैंने 1/2 कप दूध लिया है। एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो हमने इसमें 1/2 कप दूध डाल दिया था और इसमें मैं थोड़ा दूध और डाल रही हूँ। तो अभी हमने इसमें 3/4 कप दूध ऐड कर दिया है और इसमें मैं 1 to 2 टेबल स्पून दूध और ऐड कर रही हूँ। हमको इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 कप दूध लग गया है अभी तक और अब हमको ज़रूरत नहीं है और दूध की। तो हमारा सॉफ्ट डो तैयार है। इस पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसको 30 मिनट्स के लिए ढककर हम साइड में रख देंगे। तो उधर हमने डो रेस्ट के लिए रखा है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे, फ्लेम हमारी लो है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। तो ऑयल में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, 1 चॉप ग्रीन चिली, 1 अनियन फाइनली चॉप। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको सॉटे करेंगे 3 to 4 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर। तो हमारे अनियन सॉटे हो गए हैं और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पालक लिया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके इसको चॉप कर लिया है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बस इसको हमने कट किया है वॉश करके और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसको हम जब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका पालक का पूरा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इसको मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक होने देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि पालक जो है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही कुक होने देंगे इसी तरीके से। तो जब तक इसका पूरा पानी नहीं सूख जाएगा इसको हम इसी तरीके से कुक करते रहेंगे। तो हमारा पालक भी कुक हो गया है, मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसका पानी भी पूरा सूख गया है। और ये हमने पनीर लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर। तो ये जो हमारी पालक और प्याज की स्टफिंग है ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम इसको गर्म गर्म पनीर में मिक्स कर देंगे तो वापस से पानी रिलीज कर देगा। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको पनीर में ऐड करेंगे। तो हमारा ये पालक और अनियन का जो स्टफिंग था बिल्कुल ठंडा हो गया है, हम इसको पनीर में ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो स्टफिंग हमारी रेडी है और हम डो चेक कर लेते हैं। और वहाँ पे हमने गैस पे तवा रख रखा है, फ्लेम हमारी ऑन है, लो फ्लेम है। तो देखिए हमारा डो भी एकदम सॉफ्ट हो गया है और भी ज़्यादा 30 मिनट्स बाद। तो मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है, इसका मैं एक थिक स्लरी बनाऊंगी। इसका हमको पेस्ट एकदम थिक बनाना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है। तो इस तरीके से हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। तो हमारी स्लरी तैयार है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम एक डो में से एक बॉल लेंगे रोटी के साइज़ की, जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल उस साइज़ की हम एक बॉल ले लेंगे। इसको हम आटे में कोट करेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे, बड़ी सी गोल रोटी बेल लेंगे। तो मैंने इतनी बड़ी रोटी बेल ली है और इसके बीच में हम हमारी स्टफिंग डालेंगे, बीच में ही डालेंगे, साइड्स में नहीं डालेंगे। और इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे इस तरीके से स्टफिंग को। और इसके साइड्स में हमने जो स्लरी बनाई थी ये लगा देंगे, अच्छे से लगा देंगे।
तो मैंने स्लरी चारों तरफ लगा दी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसको भी हम फोल्ड कर देंगे और इसको भी हम फोल्ड कर देंगे और तवे पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको और हमारा जो लिफाफा है इसको उल्टी साइड से डाल देंगे तवे पे और फ्लेम को मीडियम करेंगे और थोड़ा घी हम नीचे की तरफ डालेंगे। मैं इसको घी से ही बना रही हूँ, आप ऑयल से भी बना सकते हैं। इसको हम फ्लिप कर देंगे तो देखिए हमारा लिफाफा तैयार हो रहा है और इसके फिर से हम थोड़ा सा घी डालेंगे नीचे साइड में और मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर, तो क्रिस्प होने देंगे। तो देखिए पीछे से भी सिक गया है और ये साइड में से थोड़ा ऐसे रहता है, तो हम इससे स्पैचुला से इसको ऐसे कर दें और 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको ऐसे ही खड़ा रखें तो ये यहाँ से भी सिक जाएगा। देखिए इन साइड से भी मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है तो ये यहाँ से भी सिक रहा है और इधर से भी हम इसको इस तरीके से ही सेक लेंगे। तो तवा तो हमारा गर्म होता ही है, ये साइड से भी बहुत अच्छे से सिक जाता है। तो हमारा लिफाफा तैयार है, क्रिस्पी, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी। तो एक हम कट कर लेते हैं, ये देखिए बहुत क्रिस्पी भी बना है। तो हमारा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप लोग ये ज़रूर से ट्राई करें और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो तैयार है हमारी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, आप लोग ये बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।